जैसे मैं चिकन और राइस को एंजॉय करता हूँ, वैसे ही मैं राजमा और चावल को भी एंजॉय करूंगा, साथ में पापड़ रायता के साथ। आज तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज का ऐसा मौसम है, वो मुझे देखकर ऐसा लगता नहीं कि आज भी हमारा जो शूट है वो पॉसिबल हो पाएगा, क्योंकि आज का मौसम भी लगता है कि बारिश बारिश वाला है। और मेन बात ये है कि आज के मौसम का जो शूट निकलता है ना, वो प्रॉपर जो कलर है वो भी आता नहीं है। तो इसलिए मैं अभी जस्ट उठा और अभी बज रहे हैं सुबह के 8:30। तो आज मैं वॉक पे जा नहीं पाया, जो मेरा कमिटमेंट था, क्योंकि सुबह भी बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। मैं उठा था निकलने के लिए, बट बारिश की वजह से मैं निकल नहीं पाया। तो अभी मैं छत पे आया हूँ। मौसम गाइस, फिर से बारिश चालू हो गई है। क्या यार, जब हम लोग कंसिस्टेंट होना चाहते हैं तब हमारा वेदर साथ नहीं देता, या फिर वेदर साथ देता तो किसी का तबीयत खराब हो जाता, किसी का तबीयत खराब हो नहीं होता है तो ये वो, मतलब वीडियो रेगुलर मैं मतलब डाल ही नहीं सकता हूँ। अच्छा एंगेजमेंट आए, बुरा एंगेजमेंट आए, समझ नहीं आ रहा यार। बहुत ही ज़्यादा मन कर रहा था कि मैं वीडियो डालूं, इसलिए मैंने सोचा ठीक है यार, जो भी है इसको तो हम कंट्रोल कर सकते नहीं है, तो इसके बारे में सोच के कोई भी फ़ायदा नहीं है। इस बात का ये खुशी है कि जो मेरा सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग थिंग था वो मैंने कल ही अपना पूरा कर लिया, जो मकबैंग का एडिटिंग था। आज मैं बस मेरे को अपलोड करके शेड्यूल लगाना है कल के लिए, कल मेरा वीडियो आने वाला है। तो जो जो भाई आप लोग मकबैंग चैनल से यहाँ पर आए हो मेरे व्लॉग्स को देखने के लिए, आपको दिल से थैंक यू। और जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स है उसको तो मैं उनको मैं जितना तारीफ करूँ उतना कम है। थैंक यू गाइस। हमारा शूट तो कैंसिल हो चुका है जैसा वेदर आप लोग देख रहे हो, और मुझे आज नाश्ता करने का मन है नहीं, तो इसलिए मैं आज अपना प्रोटीन शेक पी के अपना काम चला लूंगा। और एक मेरा फ्रेंड आया हुआ, मैं उससे बात बात करूंगा। और अपना मकबैंग का जो लिस्ट है, मैं जैसे अपना मकबैंग का जो लिस्ट बनाता हूँ वो एडवांस में 4-5 वीडियो पहले ही रेडी कर लेता हूँ, जिसके मुझे जो टाइम का है वो प्रॉब्लम नहीं होता। तो आज मेरा वही काम है, आज मेरा सारा एडिटिंग वगैरह काम है नहीं, जो ये मैं डेली व्लॉग शूट करता हूँ वो रात में एडिट करूंगा, अपलोड करूंगा, शेड्यूल में लगा दूंगा। बस जब आरएसएम का शूट होता नहीं है तो मेरे को बहुत ज्यादा फ्री फ्री लगता है। तो चलो मैं अपना फ्रेंड से बात बात करता हूँ, मकबैंग का सारा लिस्ट बनाता हूँ, उसके बाद जैसा भी होता आप लोगों से बात करता हूँ। अपना ये जो भी था अपलोड अपलोड करना सारा खत्म हो गया है, अभी मैं जा रहा हूँ पानी भरने के लिए। अभी थोड़ी थोड़ी बारिश भी हो रही है, तो मैंने सोचा थोड़ी थोड़ी से ज्यादा ज्यादा ना बारिश हो जाए उससे पहले अपना जो जार है वो भर के ले आता हूँ। जितना ज़्यादा इरिटेशन लगता है पानी भर के जार अपने फर्स्ट फ्लोर को उठा के रखने का, उससे ज़्यादा खुशी मुझे ये लगा कि मैं घर आया और मम्मी ने इतना गजब खुश खुशखबरी दिया कि आज मम्मी ने बना रखा है राजमा चावल, जिसका इसका राजमा चावल फेवरेट है। उसे मुझे और लाइन बोलने की ज़रूरत है नहीं, मेरे वो आए के इमोशन समझ गए होंगे कि मैं आगे क्या एक्सप्रेस करना चाहता हूँ अपने वर्ड्स के थ्रू। तो चलो अब देखो मैंने राजमा चावल के साथ क्या क्या ले रखा है। राजमा चावल और आलू और करेला का सब्जी, बंगाली में कुछ और ही बोलते, क्या बोलते हैं बंगाली में? आलू करेला झाल। आलू करेला झाल, जो बंगाली समझ गए होंगे। और साथ में देखो मैंने पापड़ भी दो तरीके का ले रखा है, और इधर है सैलड, और नीचे नीचे अच्छा नीचे कल जो सोयाबीन का सब्जी है वो भी खाऊंगा, और ये रायता। जब भी मेरा कुछ फेवरेट आइटम बनता है उसके साथ मैं रायता जरूर ऐड करवाता हूँ, बिकॉज रायता मेरा बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है। आज मैं अपने खाने को बहुत ही गजब तरीके से इंजॉय करने वाला हूँ। जैसे मैं चिकन और राइस को इंजॉय करता हूँ, वैसे ही मैं राजमा और चावल को भी इंजॉय करूंगा, साथ में पापड़ रायता के साथ। आज तो मज़ा आ जा रहा है, और आज जिम भी जाना है, और सब जो सारा कैलरी मैं कंज्यूम कर रहा हूँ उसको बर्न भी करना है। तो चलो कैलरी बर्न करने से पहले कैलरी थोड़ा सा अर्न करा जाए। मेरे को एक बिरयानी से ज्यादा अच्छा ये राजमा चावल लग रहा भाई साहब, आज राजमा चावल खा के मजा आ गया। अरे यार बारिश हो रहा, ऐसा मौसम हो और घर में राजमा चावल बना हो, साथ में रायता पापड़,
अरे यार मतलब मजा आ जाता है। सच बता दो, अब मैं सोच रहा हूँ कि राजमा चावल का मकबैंग भी करा जाए। तो आज मेरा मूड भी गजब हो गया राजमा चावल खा के। सुबह से मूड गजब था, अभी और डबल गजब हो गया। आज मैं थोड़ा सा फ्री हूँ तो वही अभी थोड़ा सा यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह देखूंगा, थोड़ा बहुत देखूंगा, मूवीज वूवीज देखूंगा अगर होगा तो। उसके बाद अपना ब्लैक कॉफी पी के निकलूंगा जिम, आज जैसा ही मौसम हो। आज जिम जाना है, मतलब जाना है चाहे कुछ भी हो जाए। इट्स 5:30 इन द इवनिंग और अभी मैं जिम जा रहा हूँ। मौसम गजब है, मतलब हवा गजब की चल रही है, अच्छा कि बारिश हो नहीं रहा है। मैंने अपना रेनकोट तो ले लिया है, आधे टाइम रुकना नहीं है, डायरेक्ट जिम करना है। कैसा भी मौसम हो बस घर जल्दी से आना है, ताकि आज जो मैं थोड़ा बहुत फ्री हूँ उसको इंजॉय कर सकूँ। अच्छा हाँ, मुझे फ्री से याद आया, आज मैंने हंगामा 2 देखा और मुझे देख के वो फिर हेरा फेरी वाली वाइब्स आई है। तो समझ जाओ किस लेवल का एंटरटेनमेंट आपको मिलेगा। अगर मैं स्टोरी और कॉन्सेप्ट की बात करूं तो वो मुझे ठीक है, लगभग एवरेज लगा, बट जो उसका एलिमेंट्स है ना वो फिर हेरा फेरी से लगभग मिलता था, तो आपको अच्छा लगेगा। फैमिली के साथ भी देखोगे तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। लास्ट का आधा घंटा मेरा ही बाकी है, वो आके देखना है। बारिश था कि नहीं, पूरा रास्ते में पानी भर जाता, गड्ढा उड्ढा। तो यारो मैं जिम के बाहर जो शॉट वगैरह ले नहीं पाया क्योंकि बहुत ही ज़्यादा तगड़ी वाली बारिश हो रही है बाहर में। हंगामा 2 ज़रूर देखना, वो बहुत ही गजब का मूवी, आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। तो मैं अभी अपना थोड़ा बहुत नाश्ता वास्ता करूँगा, थोड़ा फ्रेश व्रेश होता हूँ। अभी जस्ट मैं अभी जिम से आया हूँ तो देखता हूँ, आज उतना कुछ करने को है नहीं। आज का जो दिन था वो काफ़ी ज़्यादा फ्री था, तो ठीक है कभी कभी ऐसा फ्री वाला दिन भी होना चाहिए। हर दिन मेरा काम वगैरह चलते ही रहता है तो आज थोड़ा सा अच्छा लगा। कल अगर मेरा शूट नहीं होता है आरएस रिदम का तो मैं कल अपना मकबैंग शूट कर लूँगा, जो भी मैं प्लान करके रखा हूँ अपना नेक्स्ट वीडियो के लिए, उसका मेन्यू मैं आपको कल दिखा दूंगा अगर मकबैंग शूट करता हूँ तो। अपना डिनर वगैरह सारा कंप्लीट हो गया है। मैंने डिनर में भाई 2 रोटी, थोड़ा सा चावल, और दिन में जो मम्मी ने राजमा बना रखा था, और 1 या 2, हाँ 2 अंडे का ऑमलेट, क्योंकि प्रोटीन सोर्स भी ज़रूरी है, राजमा भी प्रोटीन होता है, बट आज उतना प्रोटीन गया नहीं मेरे बॉडी में, तो इसलिए मैंने 2 अंडे का ऑमलेट भी बनवा लिया था। तो ठीक है, अभी भी बाहर में गजब वाली बारिश हो रही है और अभी बज रहे हैं रात के 8:30। तो अब ये व्लॉग एंड करने का टाइम आ चुका है। तो गाइज अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, जेन्युइनली अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो के नीचे कमेंट करो अपने थॉट्स, कुछ भी आप कमेंट कर सकते हो मेरे रिगार्डिंग, मेरे वीडियो के रिगार्डिंग, चैनल के रिगार्डिंग, कुछ भी आप कमेंट करके मेरे से इंटरेक्शन कर सकते हो कमेंट सेक्शन में। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना, ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जानी चाहिए। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।